नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। और किस तरह की घटना को अंजाम दिया? ऐसा अभी 27 तारीख को, अभी दो दिन पहले, सुखविंदर सिंह की यहाँ एक नाइट हुई थी, यहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेडियम में। तो वहाँ अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो ये बेसिकली इनका मोबाइल चोरों का गैंग है। तो ये लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, ये लोग यहाँ आए थे और इन्होंने भीड़ में घुस के और बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल स्मार्टफोन इन्होंने चोरी किए। तो हम लोगों को, जब लोगों के मोबाइल चोरी हुए तो उन्होंने बताया, रिपोर्ट लिखाई यहाँ हमारे यहाँ। तो उस आधार पे हम लोगों ने फिर इनको ट्रैकिंग की और हमारे ASP और इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से लग के ये तीन लोग पकड़े हैं और इनसे 27 फ़ोन स्मार्टफोन रिकवर किए गए हैं और इनकी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है। और ये लोग मतलब अच्छा खासा इनका गैंग है। जहाँ जहाँ भी ये नाइट होती हैं, स्टार नाइट्स, वहाँ वहाँ ये लोग पहले से अपना ट्रैक करके रखते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं और एंट्री गेट पे लोग लग के और वहाँ से धीरे धीरे अपना हाथ साफ करते रहते हैं। हो गई नाइट, उसके बाद अपना मूव कर गए। हमारे अभी कल फिर एक स्टार नाइट होने वाली है कुमार विश्वास की, तो इस वजह से लोग यहीं अपना मोमेंट बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है, इन पर मुकदमे लिखे गए हैं और हम लोग इनको अच्छी धाराओं में बुक करेंगे। सर, पहले भी इन पे हम गैंगस्टर भी लगाएंगे। पहले भी इन्होंने, मैं बता रहा हूँ ना, इनकी ये आदतन चोर हैं, ये हैबिचुअल चोर हैं। तो जहाँ भी घटनाएं होती रहीं वहाँ इन लोगों ने घटनाएं की हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने कुछ अपने मोबाइल यहाँ चोरी हुए थे वो रिकवर किए हैं, कुछ और किए हैं, उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये जहाँ जहाँ से इन्होंने चोरियाँ की हैं, फिर वो चीज़ अभी क्लियर होंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी इसकी चली। सर, ये लोग दिल्ली से ही करते थे सारा ये ऑपरेशन? हाँ, जहाँ इनको खबर लग जाती है, आजकल तो पेपर में, मीडिया में, हर जगह प्रचार होता है। तो जैसे पता चला फला जगह कोई स्टार नाइट हो रही है तो अपना पहुँच गए। तो दिल्ली से ही सब पूरे देश में चलाते थे ये अपना? जगह जगह लोग जाते थे। अब हम लोग अभी बेसिकली दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले हैं। हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उससे पता चलेगा कहाँ कहाँ से इनकी इन्होंने चोरी की है मोबाइलों की, वो चीज़ें फिर पता चल जाएंगी। हो सकता है और भी मोबाइल फ़ोन अभी इनसे रिकवर हों। सर, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों की? नहीं, अभी तो क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पता कर रहे हैं। दिल्ली में इनके खिलाफ कुछ मुकदमे हैं ऐसा पता चला है, लेकिन हम लोग अभी वहाँ से रिकॉर्ड नहीं ले पाए हैं इसलिए। लेकिन ये पहले भी ये जेल गए हैं। क्या कीमत होगी इनकी सारे मोबाइल? इनकी कीमत जो है 3.5 लाख के करीब है, जो अनुमानित कीमत है 3.5 लाख। तो सर, ये लड़के सब यंग ही हैं जो ये इसमें? ये हाँ, यंग लड़के हैं, स्मार्ट लड़के हैं और टेक्नोलॉजी में भी ये परफेक्ट हैं। अपना हाथ सफाई है इनकी।